मिथकों में लिप्ता बुंदेलखंड और इसकी तह में इतिहास के घोंसले, कई किले जो तत्कालीन राजाओं और महाराजाओं की शाही भव्यता का अनुभव करने का अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। ऐसा ही एक किला रामपुरा किला है, जो रामपुरा गांव की पिछली बूंद के रूप में प्रमुखता से खड़ा है, जो उस समय की विकराल भव्यता को बताती है। बुंदेलखंड के बीहर इलाके पर जिस तरह से इसे बनाया गया है, इसकी विशालता निहित है। इसका निर्माण कुशवाहा राजपूतों द्वारा किया गया था। किले का एक चौथाई भाग समय के कटाव का शिकार हो गया है और किले का आधा हिस्सा वर्तमान मालिक का जीवित क्वार्टर है, जो किले को उन आगंतुकों के लिए खोलने की योजना बना रहा है जो कुछ दिनों के सामंती देहाती जीवन को अनुभव करना चाहते हैं, जो चारों ओर सन्नाटे से घिरा हुआ है। बीहरों और जंगल के शिवेंद्र सिंह इस किले के वर्तमान निवासी हैं और उन्होंने इसके रखरखाव के विशाल कार्य को संभाला है। हेरिटेज होमस्टे के रूप में कुछ कमरों को स्थापित करने के लिए श्रमसाध्य प्रयास करते हैं, जहां मेहमानों को एक अलग तरह का अनुभव होगा। जंगल के माध्यम से एक ड्राइव और खड्डों का दौरा करना, जो एक समय में डकैतों का छिपने का स्थान था। बुंदेलखंड वासियों के देहाती तरीकों का अनुभव करने के लिए पांच नदियों के संगम पर एक नाव की सवारी, जगमनपुर के पड़ोसी किले और गांव की यात्रा, मनोरंजन के लिए लोक नर्तकियों और उनकी पौराणिक लोक कथाओं के साथ एक शाम का आनंद ले। रामपुरा का इतिहास। ऐतिहासिक रूप से रामपुरा इस क्षेत्र के राजपूतों के कछवा कबीले के नेता बनने का आधार रहा है। इन्हें कछवागढ़ कहा जाता है। वंश का पूर्व घर नरवर में था, जहां उन्होंने 1129 तक शासन किया था। परंपरा का संबंध है कि नरवर के राजा दूल्हा राय के दो बेटे थे। बड़ा बेटा बैकुल देव नरवर में रहा और उसके वंशज बाद में मध्य प्रदेश के लहार में स्थानांतरित हो गए और वहां से रामपुरा आ गए। छोटा भाई बाद में राजस्थान की ओर चला गया और बाद में अंबर और जयपुर में अपना साम्राज्य स्थापित किया।